चंडीगढ़ के सैक्टर 28 के इस पेट्रोल पंप से किन्नियां ही कहानियां तुरियां फिरदियां नजर आ जाणगियां। कहानियां जिंदगी की जद्दोजहद वाली, कहानियां दुनियावी सोच नूं गलत साबित करके अपने हौसलियां नूं सही साबित करन वाली, कहानियां अपनियां दे लई कुछ कर गुजरन वालियां अते उस तो उपर कहानियां अपने डर नूं जित्तण वाली। साडे लई इह सारियां कहानियां हो सकदियां ने, पर इस पेट्रोल पंप ते काम कर रही हर कुड़ी दी इह जिंदगी है जिस नूं उह जी रहियां ने। किसी दे सिर ते परिवार दी जिम्मेवारी आ गई, किसी नूं करोना दी मार ने इत्थे नौकरी करन नूं मजबूर कर दिता, पर हर एक ने पेट्रोल पंप ते काम करन नूं लै के बणी समाज दी सोच नूं टक्कर दित्ती, अपने डर नूं जित्तिया अते हुण ना सिर्फ इह काम उहनां लई आसान हो चुक्या है, सगों अपने पैरां ते खड़े होण दी जो खुशी है उस नाल इहनां विच आत्मविश्वास भी वधिया। फील होया सी कि पंप ते रिजॉर्व करना नहीं चंगा नहीं है, इदां फलाणे लोक ही आखणगे, बट उस तो बाद जो मैं ट्राई की थोड़ा जा टफ लगा, हार्ड लगा कि काम करना टफ है, तो मुश्किल भी काफ़ी ज़्यादा आई, लेकिन हूँ तो फिलहाल ठीक है, हूँ तो ईजी लगता सानू, काफ़ी ज़्यादा ईजी लगता है, हूँ तो इदा की कोई मुश्किल नहीं है। मम्मा ने भी कहा कि पंप ते रिजॉर्व कर दी इदां दा फलाणिंग, मीनस कि काफ़ी गल्लां कीतियां सिम्मा ने, मैं कहा मम्मा नहीं ठीक है साढ़े वास्ते ठीक है। हाँ जी हाँ जी, रिश्तेदार ने भी बोलिया सी, गली मोहल्ले भी बोलते कि तुहाडी कुड़ी पंप ते लगी हुई है इदां दा फलाण दी, लेकिन नहीं बहुत वधिया ये लगता सानू कि आपां इंडिपेंडेंट है कि साडा आपां अपना खर्चा खुद कर सकते हैं, किसी अगे दे नहीं कर सकते कि सानू दो तुसीं। घर पे प्रॉब्लम है इस लॉकडाउन से, जब से है तो घर की प्रॉब्लम की वजह से काम करना पड़ रहा है मुझे, उसके साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ काम भी कर रही हूँ। सोचा तो नहीं था पेट्रोल पंप पे काम करने की, बट यहाँ पे आके थोड़ा सैलरी ठीक थी और सर भी हमारे अच्छे हैं, एमडी सर बहुत अच्छे हैं, तो मतलब थोड़ा सा वो डर तो था कि मतलब पता नहीं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बट ऐसा है ना कि रिस्क लेना वो होता है लाइफ में, तो फिर ट्रेनिंग दी गई हमको आईटी पार्क से, तो 15-20 दिन की ट्रेनिंग थी, थोड़ा थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी, बट धीरे धीरे सब महीना जब हुआ तो थोड़ा थोड़ा हमारे सर लोग भी गाइड्स करते रहे कि बेटा ऐसे करना है ऐसे करना है, तो मतलब अब तो ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। चंडीगढ़ पुलिस अते इंडियन ऑयल दे सांझे प्रोजेक्ट दे तहत ड्यूटी दौरान मारे गए पुलिस जवानों दे परिवारों नूं नौकरी दित्ते जाण दा फैसला कीता गया सी, अते उसे दे तहत इन्हां कुड़ियां नूं ट्रेनिंग दित्ती गई, अते हुण इन्हां दी मेहनत इस कदर रंग ले आई है कि तीन कुड़ियां नाल कीती गई शुरुआत तो बाद हुण इस एक पंप ते 7 कुड़ियां काम कर रहियां ने। पेट्रोल पंप दे मालिक दा कहना है कि इन्हां कुड़ियां ने अपनी मेहनत नाल उन्हां दी सोच नूं भी बदल के रख दित्ता है। देखो चंडीगढ़ पुलिस ने इंडिया ऑयल दे नाल एक टाइप किया कि जिहड़े उन्होंने कुछ ऑफिसर्स जिहड़े लाइन ऑफ ड्यूटी विच एक्सपायर करके सीगे, उन्होंने बच्चे या उन्होंने स्पाउसेस नू पंपां ते एडजस्ट किया जाए। इंडियन ऑयल ने ऑफर दिती कि असी एडजस्ट कर सकते हैं, तो असी पहला सारे पंप वाले सानू बड़ी रिजर्वेशन सीगियां क्योंकि साढ़े कोल मजोरिटी पंपां ते बंदे काम करते ने, तो लेडी स्टाफ नहीं सीगा और ना साडा कोई एक्सपीरियंस सीगा, तो असी टू स्टार्ट विद 3 फीमेल अटेंडेंट्स रखियां, तो साडा एक्सपीरियंस इन्ना का अच्छा रहा हैगा कि इन्नी क डिसिप्लिनड होंदियां कुड़ियां, टाइम दे प्रति वर्क दे प्रति एफिशिएंट होंदियां, और सानू बिल्कुल किसी तरह दी भी कोई कंप्लेंट किसी भी कस्टमर तो नहीं आउंदी। तो उहदे नाल असी फिर अपना जिहड़ा फीमेल स्टाफ है वधाता है, पहला असी साडे कोल 3 सीगियां हुण साडे कोल 7 ने, और वंस करोना तो बाद साडियां सेल्स वापस आ जाणगियां ते असी स्टाफ फीमेल स्टाफ ही ज्यादा वधावांगे। एक अजिहा बदलाव है जो साडे समाज विच गरीब अते मध्यम वर्ग दीआं महिलावां दी आर्थिक स्थिति नूं बेहतर बनाउण वाला है अते इस बदलाव दी समाज नूं बहुत जरूरत है। अक्सर यही कहा जाता है कि महिलावां जड़ियां ने ओह किसे भी खेतर दे विच पिछे नहीं ने, और महिलावां हर खेतर दे विच अपने आप नूं प्रूव कर चुकियां ने, और जेकर उन्हां नूं ट्रेनिंग दे दित्ती जावे तो हमेशा ही जड़ा हैगा ओह बेहतर परफॉर्म करदियां ने, और इसी कारण जिस तरीके दी आपां तुहानूं कहानियां दसण दी कोशिश कीती हैगी उस दे विच यही है कि महिलावां हुण मोढे नाल मोढा मिला के हर जगह काम कर रहियां ने, और नाल ही जड़ा हैगा अपना परिवार सांभ रहियां ने। कैमरा परसन बनी चौहान दे नाल नेहा शर्मा, PTC न्यूज़ चंडीगढ़।